हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मेरे चैनल टेक्निकल इसके जोशी में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं फ्रेंड कि सैमसंग का फ़ोन है हमारे पास, सैमसंग गुरु है। इसका मॉडल नंबर है सैमसंग GTE 1215। तो फ्रेंड हमको इसको गुरु बोलते हैं, सैमसंग गुरु फ़ोन जो सिंगल सिम में आता है। फ्रेंड ये चालू नहीं हो रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इसको चालू करके देखेंगे ये चालू किस तरीके से होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं फ्रेंड कि इसमें IC हिट कर देते हैं, डायोड तोड़ देते हैं, बट उससे चालू नहीं होता है। इसमें प्रॉब्लम अलग ही आती है। ये मैंने दूसरी बैटरी लगाई है, इसमें नई बैटरी फ्रेंड, उससे भी ये फ़ोन जो है हमारा चालू नहीं हो पा रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो हम इसको खोल के और एक ऐसी चीज़ करेंगे जिससे हमारा फ़ोन ये चालू हो जाएगा। हम इसमें कुछ भी रिपेयर नहीं करेंगे फ्रेंड, और ये किस तरीके से चालू होता है। तो 99% लोगों को ये पता नहीं है कि ये फ़ोन किस तरीके से चालू होता है, बट आज मैं आपको बता दूंगा कि फ़ोन कैसे चालू होता है। इसमें कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना है, और किस तरीके से ये फ़ोन हमारा बिना रिपेयर किए चालू हो जाएगा आप देख सकते हैं। पूरा मैं लाइव वीडियो आपको दिखा रहा हूं। तो हम पहले ये फ़ोन खोल लेते हैं फ्रेंड। ये हमारी जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले पूरी क्लियर दिख रही है। फ़ोन जो है हमारा, इसमें भी वाटर वगैरह कुछ भी नहीं लगा है, फ़ोन गिरा हुआ भी नहीं है। ये फ़ोन चलते चलते मन से बंद हो गया था फ्रेंड। तो हमको इसमें करना क्या है, तो सिंपली इसको थोड़ा सा वॉश करना है हमको। या तो पेट्रोल हो हमारे पास या फिर एसीटोन हो हमारे पास, उससे हमको ये फ़ोन जो है थोड़ा सा वॉश कर लेना है फ्रेंड। और वॉश करने के बाद हम इसको चालू करके देखेंगे, क्योंकि 99% फ़ोन फ्रेंड वॉश करने से चालू हो जाते हैं, मैंने देखा है। वैसे भी आपको पता ही होगा सैमसंग के जितने भी फ़ोन आते हैं फ्रेंड, सभी फ़ोन में IC सील्ड करी हुई रहती है, उसमें अंदर डस्ट या पानी लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हम इसको क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे थोड़ा सा। ये आप देख सकते हैं इसका चार्जिंग सॉकेट है, IC है, बैटरी कनेक्टर है, सारी चीज़ें हम इसको वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद फिर हम इसको चालू करके देखेंगे किस तरीके से चालू होता है या नहीं होता है। इसका पूरा लाइव प्रूफ फ्रेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, और पूरा लाइव है, मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड। तो हम इसको चालू करके देखते हैं अब इसमें बैटरी लगा के फ़ोन हमारा चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड ये किया मैंने चालू, और देख सकते हैं हमारा फ़ोन बहुत सिंपल तरीके से चालू हो चुका है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पूरा लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं। ये वापस बंद भी हो गया है, बट ये बैटरी हल गई है, उस वजह से बंद हुआ है फ्रेंड। तो हम इसको एक काम करते हैं, पूरा फिट कर लेते हैं और पूरा फिटिंग करके देखेंगे। और फ्रेंड एक चीज़ और यार, आप वीडियो को स्किप मत किया करो, वीडियो आप पूरी देखोगे तो वीडियो आपको समझ में आएगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें फ्रेंड। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप बेल आइकन क्लिक करोगे तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। और ऐसे इजी और सिंपल टिप्स आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को थोड़ी मैं फास्ट कर देता हूँ फ्रेंड। इसकी बैटरी जो है थोड़ी सी ढीली हो रही है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा शाल्ड करके इस पर कतिल बढ़ा देंगे, तो हमारी बैटरी टाइट हो जाएगी फ्रेंड, हमारा फ़ोन जो है बंद नहीं होगा बार बार। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने कच्ची लगा दिया है थोड़ा सा, और इसको अब हम बैटरी लगा के चालू करके देखेंगे फ्रेंड, फ़ोन हमारा चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देख सकते हैं फ़ोन हमारा पूरा चालू हो गया फ्रेंड, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, बढ़िया चल रहा है। इसके फंक्शन वगैरह सारी चीज़ें 1, 2, 3, 4 सब चेक करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड कैसा लगा वीडियो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।